रविवार को जनपद में ओमकारम के तरफ से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक निजी लॉन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सदर सांसद रवि किशन जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव हमें हर हाल में जीतना होगा, विपक्ष इसके लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगा। उन्होंने 2008 में मिली हार का भी जिक्र किया। ओमकारम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी ने कहा कि रवि किशन की वजह से यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चल रही है, यहाँ से अब सीधी उड़ान भी हो रही है। वे लोगों के बीच जाकर जनता की समस्या सुनते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सजनवा, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्तर पर जिनकी पहचान है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे फिल्म का क्षेत्र हो, फिल्म जगत का क्षेत्र हो, बहुत ही सरल स्वभाव जिनका है और गोरखपुर के लोगों के दिलों कि धड़कनों में आप रहते हैं। संदनवा के यशस्वी हम लोग कुंदन उपाध्याय जी प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष आपसे भी अनुरोध करूंगा सर जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। कुंदन भैया नारायण पूर्व उपाध्यक्ष प्रेस क्लब श्री मनोज यादव जी, अरे गुलाम हम लोग 900 साल तो गुलाम रहे, अब तो एक हुए हैं, आए वाला पीढ़ी के मुंह दिखाए के बाहर हमने के चुटिया मान। ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है काशी के बाद, बहुत सिंपल लाइन बता रहा हूं। क्यों दिन रात क्यों मेरा बेटा सक्षम शुक्ला आ गया, हमारी बेटिया जो कलाकार है वो आ गई, मेरी पत्नी घूम रही है, रिलैक्स हो सकता था, मेरा पूरा पूरा संगठन घूम रहा है सब कि कहीं नाक ना कटे। 2018 में बड़ा बेइज्जती भई है गोरखपुर का, पूरे देश में थू थू हुआ था कि मंदिरिया का सीट हार गई, ओवर कॉन्फिडेंस के हराई हो महाराज जी की के हराई। लेकिन है, मैं बता रहा, विरोधी वो खेल जानते हैं, वो गंदा गेम जानते हैं, शराब बांटना, पैसा बांटना, उन लोग सब शुरू वो सारे ओछी हरकतों पे उतरेंगे। 15 दिन रह जाते चुनाव में, देखिए अब कितनी गंदे हरकतों पर आएंगे, ओछी से ओछी गिरेंगे वो, क्योंकि उनके पास उसी तरह की राजनीति वो लोग जानते हैं। हम लोग विराट, हम लोग विकास, हम लोग विकसित भारत की राजनीति जानते हैं, हम लोग रक्षा करने की राजनीति जानते हैं। हम लोगों में बस यही कमी है कि हम लोग एक मुश्त होकर सवेरे 7 बजे चुनाव के बूथ पर नहीं पहुंचते, वहां से लोग हुरहुरा के जाता है, भेड़ा जैसे गिरता है वोट करने के। राकेश जी भी बैठे हैं, मैं चाहूंगा हम लोग अपनी टोली गाने की बनाए, हर जिला जिला जाए, बातों को हम लोग मंचन में नाटक की टीम भी तैयार कर रहा हूं, हम चाहे कि भोजपुरिया में अपन लड़का लोग गा के आघा के रूप में हर गांव जाए, हर चट्टी चौराहे जाए, हम लोग बात करना शुरू करें। ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ये देश के लिए बहुत जरूरी है, पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश के लिए जैसे जरूरी है, प्रधानमंत्री जी की बहुत जरूरत है, हम लोग कहीं से भी उनको कमजोर नहीं करेंगे। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे भारत में, लेकिन महाराज जी से बैठवा बच यही बात बोलिए नहीं, चिंता का विषय है, क्योंकि ये भैया हो ये जाति का जहर जो काला है, लोग ये लोग आ जाते हैं, अलग टाइप का जानवर है ये लोग सब, आ जाएगा कोने कोने में, गांव गांव में घुसेगा एकदम चौक की तरह और साइक करेंगे, हमारे बिरादरी देखा, हमारे साथी भाई, हमारे बिरादरी का बाड़ा, हमारी बिरादरी, ये लोग बहुत, और उनको वो टारगेट करते हैं जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा समाज, अपने समाज के नाम से इन लोगों ने यही तो तुष्टिकरण करके इस देश को कैंसर की तरह खा गए, लूट किए, और कुल 26 भ्रष्टाचारी गैंग एक साथ आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी सब लोग जेल में जा चुके हैं, केस बा कई लाख करोड़ का केस है सब पर, और वो 26 पार्टी एक मोदी जी के खिलाफ है, चिंता का विषय ही बात है। अभी आप देख रहे हैं जेल में है केजरीवाल, उनकी पत्नी वहां पर रैली कर रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठ रही है, और आज वापस दिल्ली में लोगों ने रैली किया, और पता है कि लोग शराब घोटाले में, पता है कि लोग जेल हो चुके हैं, लेकिन है कुछ लोग हैं जो देश विरोधी हैं, कुछ ताकतें हैं जो विदेशों से पैसा भेज रही है, आतंकवादी अभी भी इंतजार कर रहे हैं बम फोड़ने के लिए, आतंकवादी देश में भी हैं, विरोधी ताकतें यहां भी हैं, सनातनी विचारधारा के विरोध में है, प्रभु राम के मंदिर के पीछे हैं, हिंदुओं के पीछे हैं,
आने वाले भविष्य के लिए उनको लगता है मोदी जी का पतन करो। ये चुनाव मोदी जी का बना, सीधे प्रधानमंत्री उनको बनना। चट्टी चौराहे पे बहुत अच्छा बात हमारे दोनों विधायक जी कहना, हमारे जिला अध्यक्ष जी कहना, चट्टी चौराहे पे चर्चा का समय शुरू हो गई बा। हमेशा बात करिए कि बताओ भाई काहे नहीं वोटोगे, कहा नहीं मिलल तो जनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री रवि किशन शुक्ला जी के परिवार के मुंबई में जिससे चल के यहाँ प्रचार करने के लिए उनके सुपुत्र सक्षम शुक्ला जी, साथ ही भानु मिश्रा जी, धनेश मणि जी, सेल्स टैक्स के पदाधिकारीगण, बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, पूर्व मंत्री दुबे जी, श्रीकांत मिश्र जी, इस शिप्रालान के जिन्होंने जगह दिया है, विनीत अग्रवाल जी, उनके पुत्र ईशान अग्रवाल जी, हम लोगों के सहयोगी नवीन श्रीवास्तव जी, मित्रों श्री अष्टभुजा शुक्ला जी, दिनेश त्रिपाठी जी, संजय पांडे जी, मित्रों यह आयोजन होली मिलन समारोह जो हम लोगों की सनातनी जो विरासत है उसकी प्रेरक, यह केवल आयोजन नहीं है, यह समाज में जो भाईचारा के दूसरे के हम लोग पूरक हैं, वह किसी जाति धर्म का हो, वह कहीं से भी हो, किस तरह से हम लोग हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं उसकी मिसाल पेश करता है। क्योंकि कार्यक्रम पहले ही विलंब से चल रहा है, सांसद जी कहे थे कि आधा घंटा देंगे, हमने कहा था नहीं, एक घंटा आपको देना पड़ेगा। श्री शुक्ल जी ने गोरखपुर के क्षेत्र को अपने परिवार को समझकर सबके सुख दुख में खड़े रहे, और किसी का न्योता हो, किसी के यहाँ कमी हो, सबके यहाँ आपकी उपस्थिति रहे, तो हम लोगों की यही शुभकामनाएं हैं। वोट तो हम लोग देंगे ही, साथ ही यही शुभकामनाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते। बहुत बहुत धन्यवाद।